किताबे मुबीन, कसम है किताबे मुबीन की, हामीम वल किताब मुबीन, इन्ना अंजलना हो की लैलतिम मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंजरीन, हमने उसको एक मुबारक रात में नाजिल किया और हम हैं डराने वाले। फीहा युफ्रको कुल्लो अम्रिन हकीम, इस रात में हर एक अम्र हकीम तय पाता है, हर एक अम्र इलाही अपने हुदूद के साथ मुअय्यन किया जाता है इस रात में। अम्रम मिन इंदना, ये अम्र हमारी तरफ से है, अम्र हमारी तरफ से है, इन्ना कुन्ना मुर्सलीन, हम हैं इसके भेजने वाले। सूरह दुकान की ये आयत एक अम्र की तरफ इशारा करती है, वहीं से बहस को शुरू करेंगे कि एक रात है जिसमें उमूर सरंजाम पाते हैं, एक रात है जिसमें अम्र इलाही इतमाम पर पहुंचता है। अम्र मिन इंदना, और वो अम्र हमारे पास से आता है। अम्रम मिन इंदना, उस वो अम्र हमारी इंदियत से आता है। मैं यहीं से बहस का आगाज कर रहा हूं कि जो अम्र इंद इलाही से आए,
जो अम्र खुदा की नजदीकी से आए, जो अम्र शब कादर में आए, जो अम्र शब कादर में आए, उस अम्र का हामिल वो कैसा साहेब अम्र होगा। वो कैसा साहेब अम्र होगा जो इस अम्र का हामिल हो। अम्र मिन इंदना, हमारी इंदियत से अम्र आया हूं। और इन्ना कुन्ना मुर्सलीन, हम हैं उसके भेजने वाले। तो आपने मुलाहिजा फरमाया कि शब कदर में नुजूल अम्र, कदर और अम्र साथ, शब कदर और नुजूल अम्र साथ, और इसी तरह से वो जो कदर करे, वो जो कदर को जाने, वो जो कदर को पहचाने, वो जाहिर है कि उस अम्र से भी वो आगाह होगा जो अम्र आज की रात आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र। उसके बाद वजाहत की, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर। फिर वही गुफ्तगु, तनज्जलुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज्न रब्बिहिम मिन कुल अम्र। हर अम्र को लेकर मलाइका और रूह नाजिल होते हैं शब कद्र। मलाइका और रूह नाजिल होते हैं शब कद्र। इसके बाद सूरह दुकान की आयत आपने अभी पढ़ी, आपने सूरह कद्र को पढ़ा, इसके बाद सूरह नहल की पहली आयत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अता अम्रुल्लाह फला तस्तअजिलूहु सुभानहु व तआला अम्मा युशरिकून। आ गया अम्र खुदा, जल्दी न करो, जल्दी न करो, बुलंद है, बरतर है वो इससे कि तुम शिर्क करो। अता अम्रुल्लाह युनज्जिलुल मलाइकतु बिर्रूह मिन अम्रही अला मन यशाउ मिन इबादिही। वो मलाइका के साथ रूह को भेजता है अम्र को देकर, अपने बंदों में से जिसको पसंद कर लेता है। अला मन यशाउ मिन इबादिही, अपने बंदों में से जिसको पसंद करता है उस पर अम्र को भेजता है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, साहिबान अम्र की इताअत करो। तो अब वो साहिबान अम्र वो नहीं जो हमारी तरफ से अम्र के काबिल करार दिए जाए। साहिबान अम्र वो नहीं कि जिसको हम साहिबान अम्र बनाए। साहिबान अम्र वो है कि जिनको मलाइक साहिब अम्र बनाए, जिनको रूह कुदस साहिब अम्र बनाए। नहीं, जिसको खुदा साहिब अम्र बनाए वही अम्र को कबूल करता है, वही अम्र को एग्जीक्यूट करता है, वही अम्र को आगे बढ़ाता है। इसलिए एक मुस्तकिल बहस है शब कद्र में अम्र पर कि आप अपनी तन्हाइयों में तिलावत के दौरान में इस लफ्ज को देखें कि यह लफ्ज किस कदर गरा है, किस कदर मुश्किल लफ्ज है, किस कदर फहम इंसानी से बाला तर हो जाता है यह लफ्ज। अम्र आसान नहीं है। आप कहते हैं कि ये साहिबान अम्र है, इनकी इताअत करो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, साहिबान अम्र की इताअत करो। तो आपने ये सोचा कि जो इख्तदार से आ जाए वो साहिब अम्र है। आपने ये सोचा कि जिसके पास कुर्सी हो वो साहिब अम्र है। आपने ये सोचा कि जिसको हम अपने लिए अपनी सियासी फिक्र के साथ
इख्तियार दे दें वो साहिब अमल नहीं, इख्तियार आपने दिया वो है अपनी जगह पर, इख्तदार आपने दिया वो है अपनी जगह पर, कुर्सी आपने दी वो है अपनी जगह पर, वो कुर्सी अलाहिदा है, इख्तदार अलाहिदा है, इख्तियार अलाहिदा है, साहिब अमर अलग है। साहिब अमल अलाहिदा है, आपका इख्तियार हो इख्तदार अलाहिदा है। अगर आप इस इख्तियार हो इख्तदार को इस साहिब अमल से मिलाना चाहेंगे हमेशा हैरानी होगी, हमेशा गलती में मुब्तला रहेंगे और आप कुछ भी नहीं समझ सकेंगे, कुछ भी नहीं समझ सकेंगे। खुसूसन कुरान को तो बिल्कुल अलाहिदा रख देना पड़ेगा, जहां ये इरशाद होता है कि हम हर शब कदर में इन्ना अंजलना हो फी लैलतुल कदर, हमने नाजिल किया उसको कदर की रात। तो आपने देखा कि जहां अम्र आया वहां कदर की रात में आया, वहां कदर की रात में आया, यहां साहिबान इख्तदार को कदर की रात का पता ही नहीं है। मैं जो अर्ज कर रहा हूं उस पर फिर एक मतलब गौर कीजिए, साहिबान इख्तदार को कदर की रात का पता नहीं है, इस वास्ते पता नहीं है कि साहिबान इख्तदार से क्यों मंसूब करूं। आप सबके लिए जिसमें मैं भी शामिल हूं, मैं और आप सबके लिए तायुन तो कर दीजिए कदर की रात का, तायुन तो कर दीजिए, ये 19 है, 21 है, 23 है, 25 है, 27 है, तायुन तो कर दीजिए। अरे कुछ रातों में से जो एक रात को चुन न सके, चंद रातों में से जो एक रात को चुन न सके वो अमर को कबूल क्या करेगा, वो अमर को कबूल क्या करेगा। इसलिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि कदर और अमर को एक ऐसे मीजान में रखें कि जहां कदर और अमर साथ साथ हो जाए, साथ साथ हो जाए। अच्छी तरह से याद है आप हजरात को कि इसी पे झगड़ा हुआ था जंगे उहद, जंगे उहद में इसी पे झगड़ा हुआ था। और बार बार मैं अर्ज कर चुका हूं, तौए फतुन अहमद तौए फतुन, एक तायसे ने वहन किया गुमान किया और फिर ऐसा यजुन्नून बिल्लाही जन्नल हक, यजुन्नून बिल्लाही जन्नल जाहिलिया, यजुन्नून बिल्लाही गैर अल हक जन्नल जाहिलिया, अल्लाह पर गैर हक जाहिलियत का गुमान कर रहे हैं। और वो वाकया आपको मालूम है कि उहद में मुस्लिम फौजों को शिकस्त हुई, शिकस्त इस माना में हुई कि दुश्मन मुड़ गया, पलट पड़ा और मुसलमान कत्ल हो गए, मुसलमान कत्ल हो गए। और पैगंबर जता रहे थे कि देखो इस मकाम से न हटना, घाटी को न छोड़ना, छोड़ के गए, गनीमत को देखा, हमला किया, लूटना चाहा माल को, दुश्मन पलट गया, मुसलमान कट गए। वापिस आके कहा कि अल्लाह के रसूल अगर आप हमको समझा के कहते कि अगर तुम लूटने के लिए जाओगे तो दुश्मन इस तरह से वापस आएगा, इस तरह से तुम मरोगे कटोगे, तो यकीनन हम मान लेते, आप समझाते नहीं हैं, आप सिर्फ हुक्म दे देते, हुक्म देते हैं कि घाटी से न हटो। अगर आप अंजाम तक बतलाते तफसील से ये होगा ये होगा ये होगा, इसलिए अब आप हमको अपने अम्र में शामिल कर लीजिए। हल्लना मिन अल अम्र मिन शय, क्या हमारा आपके अम्र में दखल नहीं है। तो आपने देखा दुनिया अभी नबूवत को समझ नहीं रही थी, दुनिया समझ रही थी जमहूरियत, दुनिया नबूवत को भी डेमोक्रेसी समझ रही थी,
ये जमहूरियत हल्लना मिन अल अम्र मिन शय, क्या हमारा आपके अम्र में दखल नहीं है। कुल इन अल अम्र कुल्लहु लिल्लाह, कह दो अम्र अल्लाह ही के लिए, जो मैं हुक्म दूं उसको मानना पड़ेगा, जो मैं हुक्म दूं उसको मानना पड़ेगा। चून और चरा की मजाल नहीं है और न मैं तफसील का पाबंद हूं, मैं पाबंद नहीं हूं कि मैं तफसील बतलाऊं कि इसका अंजाम ये होगा, इसका अंजाम ये होगा, इसका अंजाम ये होगा। जिसको कहा जो कहा वो सुने, अगर किसी के लिए ये कहा कि जाओ जंग के मैदान में, वो जाए, और किसी को अगर कहा कि घर में बैठो बाहर ना निकलो, वो फिर जंग के मैदान में न जाए। तो इस एतबार से रसूल का हुक्म वाजिब तालीम तामील है, वाजिब तामील है, उसकी तालीम के साथ उस पर अमल करना लाजिम है। और यही वो मंजिल है कि जहां हम पहले साहिब अम्र रसूल को समझते हैं, पहले साहिब अम्र रसूल को, यानी वो साहिब अम्र के जहां आने वाहिद के लिए कोई एतराज की गुंजाइश नहीं। अगर उसने कहा वही आई तो समय ना वो आसान, वही आई। अगर उसने कहा ये वही आई तो फिर यही आई। अगर उसने कहा कि इस वही में तुम्हारी शिकायत है तो है, इन्हें एतराज नहीं है कि फिर इस वही को बदल दीजिए। हालांकि काफिर ये भी कहते थे एतद कुरान गैर हाजा और बदल हूं, अल्लाह के रसूल या तो कुरान दूसरा लाइए या इसको बदल दीजिए। रसूल ने कहा कि नहीं, मकान अली अयू बदल हूं, ये मेरा अख्तियार नहीं है कि मैं कुरान को बदल दूं, मेरे अख्तियार नहीं है, मैं तो वही कह रहा हूं जो अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है। तो नबी साहिब अम्र है, इख्तियारात खुसूसी को लेकर आ रहा है। रब का यखलुको मा यशाओ यख्तार, मा कान लहुमुल खियरा, तेरे रब को इख्तियार है खल्क का भी मुख्तार बनाने का भी, वो खालिक भी है और तुमको इख्तियार देने वाला भी है, तुमको इख्तियार नहीं है, तुमको इख्तियार नहीं। तो इस तरह से वो आलिम सिर्रो अलम, वो छिपी हुई बातों को जानने वाला, वो कायनात के धारे पर एक एक तब्दीली से आगाह, वो अगर किसी हुक्म को पहुंचाए तो इसीलिए पहुंचाता है कि जिसमें नौए इंसानी की सलाह हो फलाह हो। और ऐसे मौके पर अगर कोई बददिली से एतराज कर दे कि ये क्यों, तो वो अल्लाह पे एतराज नहीं है, रसूल पे एतराज नहीं है, साहिब अमर पे एतराज नहीं है, वो तो अपने आप को तरक्की की राहों में रोक रहा है, वो अपने आप को आगे बढ़ने से रोक रहा है, वो एतराज कर रहा है फेल नबी पर, वो एतराज कर रहा है अमल नबी पर। तो जिस तरह मुसलमान मुत्तहिद हैं इस अमर पर कि फेल रसूल हर एतराज से बाला है, हर एतराज से बाला, और ये भी कि नबी हासिल करता है शब कदर में अम्र, ये तय है मिल्लत इस्लामिया के पास, ये तय है कि नबी शब कदर में अम्र को हासिल करता है। तो सिर्फ इतना पूछना है जो बार बार आप तक पहुंचाया गया और आपके जरिए से ये आवाज दूर तक पहुंचाई गई कि क्या ये सिलसिला अम्र खत्म हुआ, क्या ये सिलसिला अम्र खत्म हुआ, क्या अब शब कदर नहीं आएगी, क्या नबी के बाद शब कदर नहीं आएगी, अगर आएगी तो नुजूल मलक है, अगर आएगी शब कदर तो नुजूल अम्र है, और अगर नुजूल अम्र है तो कुछ बंदे हैं,
कुछ बंदे हैं कि जिन पर नुजूल अम्र है, नुजूल अम्र है। आप चूंकि ये समझ रहे हैं कि अम्र के माना कमांडमेंट के होंगे, हुक्म के होंगे, अहकाम के होंगे, नहीं। अम्र कुछ इससे बुलंद है, अम्र इससे कुछ बुलंद है। अम्र इल्म इलाही के साथ है, अम्र मशीयत इलाही के साथ है, अम्र कदाए इलाही के साथ, अम्र कदर इलाही के साथ, अम्र इरादा इलाही के साथ। यानी इल्म मशीयतो इरादो कदाओ कदर इलाही के साथ अम्र आया। तो अब आप या तो बतलाएं कुरान पढ़ के कि अम्र के क्या माने है, या सलू न कानी रूह। लोग पूछे रूह क्या है, कुल रूह मिन अम्र रब्बी कह दो, कह दो कि ये रूह अम्र रब है, ये रूह अम्र रब है। तो इस रूह को आपने पहचान लिया, जिसको जिसके आप अपने आप को दारा समझ रहे हैं, जिस रूह को आपने पहचाना। अगर पहचाना तो क्या ये आपके इख्तियार में है, क्या ये आपकी मर्जी से आई है और आपकी मर्जी से जाएगी। आपकी अगर रूह है तो खुद आपके इख्तियार में कब है, वो किसी और के इख्तियार में है, वो किसी और के अख्तियार में चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, सब कुछ आप है। मगर रूह अगर हकीकत में कुछ है तो वो अम्र है, अम्र है। जियो, रहो दुनिया में, बसर करो, फिर अब खत्म करो, वक्त को खत्म करो, अब मर जाओ। ये कहीं और से हुक्म आ रहा है, ये कहीं और से हुक्म आ रहा है। रूह को आपसे निस्बत दी, मगर अम्र उसका। तो कायनात में जहां जहां इस तरह रूहें मिली वो उसी के अम्र से मिली। मगर जिस तरह से पानी बगैर अम्र के नहीं बरसता, जिस तरह औलाद बगैर माँ बाप के नहीं होती, जिस तरह दरख्त बगैर जमीन के नहीं होते, वरना हुक्म इलाही हो तो हवा में दरख्त लगे, हुक्म इलाही हो तो बगैर अब्र के पानी बरसे, हुक्म इलाही हो तो बगैर वास्ते के इंसान पैदा हो जाए, एकाएक नमू आ जाए। मगर फैल हमेशा वास्ते के साथ होता है। इसी तरह उसका अम्र आपके जिस्म में आके जो रूह बनता है, वो कोई वास्ता चाहता है, वो कोई फैल चाहता है। यही फैल है लौलात लमा खलकतुल अफलाक, अगर तुझ होता तो हम कायनात को न पैदा। आपने देखा कि हयात हयात फैज है, हयात फैज आए तो वास्ते से आए, हयात फैज है आए तो वास्ते से। मुमकिन है वास्ता दिखाई न दे, मुमकिन है वास्ता दिखाई न दे, हयात मिली वास्ता नजर नहीं आया। मिल्लत इस्लामिया अगर यह तय करती है लौलाक लमा खलकतुल अफलाक, अगर तू न होता तो हम कायनात को न बनाते, तो महसूस थी विलादत पैगंबर कब्ल खिलकत आलम, महसूस थी मौर्रिख के लिए, मुहद्दिस के लिए, मुफस्सिर के लिए विलादत कतनी मरतबत कब्ल तख्लीक कायनात, नहीं नहीं थी। मगर हमने माना कि बगैर वास्ते के फैज नहीं आता, इसलिए हमने नूर अव्वल को माना।
नूर अव्वल को माना, दरा हाले के वहां पर्दा था, पर्दे में वो था, हयात उसके वास्ते से बट रही थी, आज भी वो पर्दे में है और हयात उसी के वास्ते से बट रही थी। शब कदर, शब कदर कोई कबूल कर रहा है अम्र को, वास्ता लाजिम है, वास्ता लाजिम है। अब उसको अगर एगा नकद के साथ मिल्लत मुस्लिमा देखे तो यकीनन इख्तलाफ रफा हो गया, अगर एगा नकद के साथ देखे तो इख्तलाफ रफा हो गया। वो एगा नकद जो हर मौके पर रसूल ने अपने खुतबों के दौरान में पेश किए, अगर उस एगा नकद के साथ देखे तो इख्तलाफ रफा हो गया, कोई इख्तलाफ नहीं है। यानी वो एगा नकद किए कि अगर आप ये कहें कि वो वास्ता जो आलम तकवीन में था वो हकीकत मुहम्मदिया थी, तो इस एतबार से वो तूफान नूह हो के गुलजार खलील, वो तूर हो कलीम के लिए या गहवारा हो ईसा के लिए, एक वास्ता फैज है, एक वास्ता फैज है जो मुख्तलिफ मकामात पर दिखाई न दे सका, दिखाई न दे सका। और जब वो दिखाई देने की मंजिल पर आया तो उसको दुनिया ने पहले 40 साल तक नहीं देखा, और उसी के वास्ते से फैज मिला। बज़ाहिर उसको 23 बरस के लिए देखा और उसके बाद फिर वो हटा, हकीकत रह गई, हकीकत रह गई। और वो हकीकत हकीकत मिन्नियत थी कि जगह जगह मिन्नियत का ऐलान करके ये बतलाया कि अगर मैं न रहूंगा तो शब कदर में मेरी हकीकत रहेगी, इसलिए मिल्लत मुस्लिमा अगर हकीकत मुहम्मदिया के वजूद को तस्लीम करे तो हर शब कदर में नुज़ूल मलक रूह हकीकत मुहम्मदिया पे हो रहा है। मैंने जहमत दी, जाहिर है कि चूंकि आगाज है शब कदर का और काम बहुत से हैं, इसलिए हम एक इब्तदाई बहस चाहते थे, हमने उस बहस को शुरू कर दिया है। मुसलसल 3 मजलिसें हैं आज, तो आप शरीक ही हो रहे हैं, कल और परसों भी ये तकरीरें यहां होंगी। उन्वान भी यही सूरह दुकान की आयत। मैं इस सिलसिले में एक खास अमर का तालिब हूं, वो ये कि बहुत ही सदाकत के साथ, इखलास के साथ और हकीकत पसंदी के साथ इस मसले पे आप गौर फरमाएं कि मुत्तफिक अलैह मसला है कि माह मुबारक रमजान में शब कदर है, 27 की रात है, 23 की रात है, 25 की रात है, 21 की रात है, जो भी रात हो, मगर है ये शब कदर। क्यों शब कदर है? ये कदर की रात है तो उसके दो अजबाब बतलाए कुरान। पहले कहा इसलिए शब कदर है कि इन्ना अंज़लनाहु नुज़ूल की सूरत में शब कदर है, हमने नाजिल किया शब कदर, कुरान को नाजिल किया, जाहिर कबूल है, मगर नहीं, उसके साथ फिर और एक नुज़ूल है, तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर रूहो फीहा बे इज़्न रब्बिहिम,
इसने रब के साथ मलाइका और रूह नाजिल होते रहते हैं। जमाने हयात पैगंबर में फकत नहीं, जब तक शब कद्र है, जब तक शब कद्र है ही हत्ता मतलई फजर, मतलब फजर तक मलाइका नाजिल होते रहेंगे। तो अब आपके लिए वाकई गौर और फिक्र की मंजिल यह है कि बहुत अमली हैसियत से एक मरतबा ये सोचें कि क्या हमारी मोहल्ले की मस्जिद में कोई ऐसा पेश नमाज है कि जिस पर ये मलाइका आते होंगे। शहर की किसी मस्जिद में कोई ऐसा पेश नमाज है जिससे ये मलाइका आते होंगे। कोई वाकई ऐसा बड़ा आरिफ कामिल आलिम मौलवी सूफी मजदूर कोई है जिससे मलाइका नाजिल होते होंगे। बाद पैगंबर किसी मौलवी ने किसी मजदूर ने किसी सूफी ने वो जुनैद बगदादी हो या बायजीद बुस्तानी उन्होंने ये दावा किया कि शब कद्र में मलाइका हुस्न नाजिल होते हैं। कोई तारीख का हवाला कि किसी ने आलम जज्ब में आवाज दी हो कि हाँ हाँ शब कद्र में मलाइका हुस्न नाजिल होते हैं। कहीं तो कोई हवाला बता दें। बहुत ही अमली सूरत और किसी का एक मरतबा मुबारजा तलब होना बतलाएं कि किसी ने यह चैलेंज किया कि हां मुझ पर नाजिल होते हैं किसी और पर नहीं। तो हमने आलम इस्लाम को देख लिया, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को देखा, कहीं से कोई आवाज बुलंद नहीं हुई है किसी आलिम की किसी मुजद्दिद की किसी सूफी की किसी रहनुमा की कि शब कद्र में मलाइका मुझ पर आए। तो फिर क्या आयत मनसूख हो गई? आयत मुअत्तल है? ये सूरे के कोई माना नहीं है जिस सूरे को मुसलसल आज रात को पढ़ने का हुक्म है? जब तक आप इस सूरे को न पढ़े गोया अमल शब कद्र मुकम्मल नहीं होता। तो क्या बात है, सूरा मौजूद, आयत मौजूद, नुज़ूल मलक का ऐलान मौजूद और कोई दावेदार नहीं है कि नुज़ूल मलक हम पर है। तो ऐसी सूरत में क्या मैं बादशाहों के आस्थानों पर जाऊं कि हुजूर क्या मलक आप पर आते हैं? क्या मैं उन रहनुमाओं के आस्थानों पर जाऊं जो ये कह रहे हैं कि हम सब कुछ हैं? क्या मलक आप पर आते हैं? तो देखिए दुनिया तो इस वक्त कुरान से चिमटी हुई है। दुनिया तो ये कह रही है हम कुरान को नहीं छोड़ेंगे। इस वक्त मिल्लत का बुरा वक्त है, हम कुरान को नहीं छोड़ेंगे। तो ये कुरान के मुहाफिज अब बतलाएं तो कि कहां है नुज़ूल मलक, आमर कहां नाजिल हो रहा है। इतनी वजाहत तो कर दें, और अगर नहीं कर सकते तो फिर तस्लीम करने में क्या आमर मान है कि अगर किसी ने कोई दावा न किया हो, बनी उमैया के ताजदारों ने दावा नहीं किया, बनी अब्बास के शहींशाहों ने दावा नहीं किया, उलमा ने दावा नहीं किया, सूफिया इकराम ने दावा नहीं किया, किसी इस्लामी मुल्कत के शहींशाह ने दावा नहीं किया, और दावा सिर्फ एक घराने से बुलंद हुआ ये आवाज बुलंद हुई कि जहां ये आवाज थी कि सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना अस्तफ़ैना मिन इबादना, हमने किताब का वारिस किया उन बंदों को जिन बंदों को हमने मुस्तफा किया। फकत एक घराने से ये आवाज बुलंद हुई थी कि हमारे पास मलाइका नाज़िल होते हैं, और वो घराना आले मोहम्मद। मैंने जहमत दी एक अमली सूरत।
अइम्मे अहले बैत ने यह कहा है कि मलक नाजिल होते हैं। अगर हो सके तो उन्हीं से पूछें। और यह मसला बड़ा अहम हो जाएगा कि जो अम्र आ रहा है वो कुरान में है या खारिज कुरान है। बड़ी बहस इस वास्ते कि आयत मौजूद है कि मलाइका आते हैं रूह के साथ अम्र को लेकर। तो इस बहस में अगर आप उलझने की कोशिश करेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं। वही इल्म है कि जिसकी एक इजमाली सूरत कुरान है और वही कुरान है जो मौजज़ा हतमी है, मगर मौजज़ा वही है जो समझ में ना आए। मौजज़ा वही है जो समझ में ना आए तो हर आन मौजज़े को समझाने के लिए कयामत तक कोशिश होती रहेगी। इसलिए इस बहस को तो छोड़ ही दीजिए कि कुरान से बाहर है या कुरान में मौजूद है। कुरान को समझाने की जरूरत है, कुरान की तफसील की जरूरत है, मुतशाबहात कुरान को मुहकम बनाने की जरूरत है और उन तमाम तफसीलात में जाने की जरूरत है जहां खुदावंद अली आला मिल्लत मुस्लिमा को कुरान पढ़ने की तौफीक अता करें। यह मुस्तकिल। लेकिन फिर एक मरतबा अम्र की तरफ आए, अम्र की तरफ और एक अहम बहस है जो मेरी हद तक मैंने उस बहस को बसाओकात आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, मगर क्योंकि छिड़ी हुई है गुफ्तगू इसलिए उसको फिर पेश कर। वो ये कि जहां इंसानियत का लफ्ज आया वहां उस लफ्ज इंसानियत के साथ हुक्म इताअत आया, इंसानियत के साथ हुक्म इताअत आए। अगर नौजवान है मां बाप की इताअत करे, शागिर्द उस्ताद की इताअत करे, महकूम हाकिम की इताअत करे, रियाया अपने राई की इताअत करे। कोई इताअत से बाहर नहीं। और अगर कोई अपने को वाकई आजाद समझ रहा है तो वो गलती करता है, इसलिए कि दिन रात बंदगी की जरूरत है, दिन रात इताअत की जरूरत है, दिन रात फैजों की जरूरत है। इताअत रब लाजिम, इताअत लाजिम। ये एक अहम मसला है। इंसानियत है तो इताअत, इताअत के लिए हुक्म दिया कि इताअत को समझो और उसकी तफसील कुरान ने दी। बहुत गौर से सुने, इताअत की तफसील कुरान ने दी कि इरशाद फरमाया ला तुतिल मुफ्सिदीन, फसाद करने वालों की इताअत न करो। ला तुते मन अग़फ़लना क़ल्बहू अन ज़िक्रना व तबा हवा हूं वह कौन अम्र हूं फुरता, खबरदार उसकी इताअत न करना जिसका दिल हमारे जिक्र से गाफिल है और जिसने हवा व हवस की पैरवी की उसकी इताअत न करो। हवा व हवस के मारे की इताअत न करो, गाफिल की इताअत न करो, मुफ्सिद की इताअत न करो, लातुकैल मुकज़्ज़िबीन झुठलाने वालों की इताअत न करो। इन तुसे अक्सर मन फिलहाल यू विल यू काम सभी मिलना, अक्सरियत की इताअत न करो। वो रास्ते से तुझे हटा देंगे। इन तुसे अक्सर मन फिलहाल यू विल यू काम सभी मिलना, अगर अक्सरियत की तू इताअत करे तो तुझको ये लोग राह हक से हटा देंगे। अक्सरियत की इताअत न करो। ला तुसे कुल अफ़्फ़ात नसीम, बोहतान उठाने वाले गुनहगार की इताअत न करो।
हम माजिन मशाइन बनमीम, चोली खाने वाले की इताअत न करो, हद से गुजरने वाले की इताअत न करो, मन्नाइन लिल खैर मुतदिन असीम, नेकी से रोकने वाले की इताअत न करो और खताकार की इताअत न करो, उतल्लिन बादा ज़ालिक ज़नीम, सूरह नून व क़लम, खबरदार उसकी इताअत न करो जो अपने रब से बगावत करे, और उसकी इताअत न करो जिसका नसब सही न हो। तो अब देखें आप, यह कुरान मजीद ने ला तुसे कह के एक हफ्ते फासिल खेच दिया कि इंसान के लिए इताअत लाजिम, मगर मुसरिफ की नहीं, काजिब की नहीं, झुकलाने वाले की नहीं, अफाक नहीं, असीम नहीं, मोतब नहीं, मन्ना लिल खैर नहीं, उतुल नहीं, जमीन नहीं, इन सब की इताअत न करो, अतीउल्लाह अतीउर रसूल व उलिल अम्र। अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, साहिबान अम्र की इताअत करो। अल्लाह हमारे वहमों ख्यालों वहमों इजलास से बुलंद है, रसूल जाहिर है कि साहिब वही है, उस तक कोई शिवा भी नहीं जा सकता। अब उलुल अम्र की मंजिल आई, तो अब उलुल अम्र में अगर कोई अफाक हो, अब उलुल अम्र में कोई असीम हो, अब उलुल अम्र में कोई मन्नाइन लिल खैर हो, अब उलुल अम्र में कोई मोहतद हो, कोई उसुल हो, कोई जनीम हो, तो ऐसे मौके पर हम पर क्या तकलीफ है? या हमने पहचाना नहीं उलुल अम्र को, या फिर ये कि हम बजुज इसके के जिद पर अपनी जिद पर अपनी अपने मफादात के साथ इताअत की तरफ जा रहे हैं, इताअत की तरफ जा रहे हैं। बहरहाल मसला दुनियावी हद तक नहीं है, वो इताअत के जो इंसान को सआदत उखरवी दे, वो इताअत जो इंसान को सआदत उखरवी दे, तो ऐसी इताअत इंसान को कामयाबी व कामरानी के मंजिल पर पहुंचाती है, बशर्ते के वो जाने कि कुरान मजीद ने कहां कहां मना किया है किस किस की इताअत से। उन तमाम आयतों को एक जगह कर लीजिए कुरान में जो लातुते से शुरू होती है, इताअत न करो, इताअत न करो, इताअत, और एक आयत को इस तरफ ले लीजिए अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र। तो आप उलुल अम्र पहचाने जाएंगे, उलुल अम्र पहचाने जाएंगे, और जब आप पहचानेंगे उलुल अम्र को कि मन्ना नहीं, मोतद नहीं, असीम नहीं, उतुल नहीं, जनीम नहीं, मुसरिफ नहीं, मुफसिद नहीं, जालिम नहीं, तो फिर कैसे इन्नमा युरीदुल्लाह गुफ्तगू खत्म हुई। और अगर ये चंद बातें तमहीद में याद रह जाएं, तो जाहिर है कि इसमें, जैसा कि मैं हमेशा कह रहा हूं, कि कोशिश यही की जाती है कि कोई सूरत इख्तलाफ ना हो, कोई सूरत इख्तलाफ ना हो। अली साहेब अमर मिल्लत इस्लामिया ने अली को साहिब अमर माना, साहिब अमर माना। और अगर 24 बरस तक नहीं माना था भी, तो फिर माना। 24 बरस तक अगर न माना था भी, तो फिर माना। और जब माना है, उस वक्त अली कत्ल हुए, साहेब आमिर की शहादत, खलीफा रसूल की शहादत,
यानी दौरान आम्र में हामिल आम्र की शहादत, जिसको दुनिया करम अल्लाह वजहू कहे वो अली और इबादत की मंजिल। बहरहाल मैं चूंकि अब 18 तारीख 19वीं शब है, मैंने अली का नाम ले लिया, इसलिए मैं इस मजमे से कोई छिपा तो नहीं सकता हूं किसी चीज को, इस मजमे से किसी चीज को छिपा तो नहीं सकता हूं। बगदाद के काजी कुजात के पास, वहां का बगदाद का गवर्नर आया, इस वाकये को इब्ने पाबे कुम्मी ने लिखा, तकलिया चाहा, लोग हट गए। काजी कुजात राजी है कि गवर्नर ने कहा कि मुझसे एक अजीब हादसा हुआ। तो क्या है? कहा मैं कूफा गया था और ये देखने के लिए कि आप गिरे हुए और टूटे हुए मकानात कूफे के क्या मंजर पेश करते हैं। मैंने एक एक कदीम महल्ले को देखा और मैं मस्जिद कूफा में गया, ये देखूं कि कितनी दीवारें गिर गई हैं, क्या आसार बाकी हैं। मैंने मस्जिद कूफा के दरवाजे में कदम रखा ही था कि मैंने एक अपने सामने ज़ईफ बदवी औरत को देखा, उसने दोनों हाथ इस तरह से फैलाए थे और वो ये कह रही थी, या मशहूरन फिर समावादी वो या मशहूरन फिर अर्जी, अरे आसमानों में मशहूर, अरे जमीनों में मशहूर, या मशहूरन फिर दुनिया वो या मशहूरन फिर आखिरत, अरे वो जो दुनिया में मशहूर है, अरे वो जो आखिरत में मशहूर है। जहेदतिल जवाब रसूल वल मुलूक इत्फाए नूर वो एकमाद जिक्र, जब बार बादशाहों ने तेरे नूर को बुझाने की कोशिश की, तो अब अल्लाह जिक्र ही इल्ला कमालन वल नूर ही इल्ला इतमामा, लेकिन अल्लाह ने यह तय किया कि बादशाह तेरे जिक्र को मिटाते ना है और वो तेरे नूर को कमाल पर पहुंचा पा और तेरा जिक्र तम कमाल हो इतमाम से का काजुल कुजा, वो अपने दोनों हाथों को फैला कितना रूह होकर यह दुआ कर रही थी कि मैंने एक मतलब पूछा, या मत अल्लाह मन हुआ, अरे कनील खुदा वो कौन है जिसको तुम पुकार रही है? मोटे का तू नहीं पहचानता, तू नहीं पहचानता, का नाम ले ले। उसने कहा हुआ अमीरुल मोमिनीन, अब भी यह परेशान था इसलिए कि बादशाहों के लिए यह लफ्ज इस्तेमाल हो चुका था। उसने कहा मन कौन अमीरुल मोमिनीन? अमीरुल मोमिनीन को भी नहीं पता हुआ अली जितने अभी था। अब यहां तक तो गुफ्तगु नहीं है, अब इसके बाद क्या जुमले पे गुफ्तगु है? वाली इब्न अबी तालिब अल्लज़ी वाली ला यजूज़ तौहीद इल्ला बिविलायत ही, जहां खुदा की तौहीद कामिल नहीं होती जब तक उससे मोहब्बत न हो। खुदा की तौहीद कामिल नहीं होती। फजल खुदा परेशान, और रिवायत आई मोहम्मद इब्ने पापा कुन्नी के मशाया का इजाजा के जरिए और उसको उन्होंने अपनी अमाली में महफूज कर लिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि जवाबेरा और मलूक ने जिस जिक्र को मिटाना चाहा, मुअर्रिकीन ने जिनकी फजीलतों को घटाना चाहा, वज्जाओं ने हदीस ने
जिनके मुकाबिल पर हदीसों को वजा करके इनकी फजीलत को कम करने की कोशिशें की। इसके बावजूद इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जितने फजाइल अली के पाए गए, अगर सारे सहाबे किराम के फजाइल भी एक जगह कर दिए जाए तो अली के फजाइल सबसे बड़े, सबसे ज्यादा होंगे। तो ऐसी मंजिल पर अली आलम इस्लाम में तो फजाइल की हद तक, मनासिब की हद तक, मगर साहिबान ईमान के लिए, साहिबान मोहब्बत के लिए अली एक जिंदा हकीकत है। अली एक जिंदा हकीकत है। अली वो हकीकत मोहम्मदिया का परतो है कि जिससे दिन और रात काम है, जिसको उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते पुकारते हैं या अली। दुनिया ने कहा शिर्क है, मगर बंदे को पुकारा है, उसका एक खुदा है, उसने सजदे किए हैं और उसने सजदे करके अपने सजदों पर नाज किया है। हम उस अली को आवाज देते हैं जो बंदा है, वो अली जिसने आज रात भर इबादत की, रात भर। शहजादी उम्र कुलसुम बयान करती हैं कि कुछ वक्त के बाद आसमान के तारों को देखते और कहते हाँ हाँ यही रात है, हाँ हाँ यही रात है जिसकी मुखबरे साजक ने खबर दी। कितनी मिलती जुलती रातें हैं शब नूज़दहों में रमजान और शब आशूर मुहर्रम। अली आसमान के तारों को देख रहे थे, हुसैन अपनी आंख के तारों को देख रहे थे। कभी अली अकबर के खेमे में जा रहे थे, कभी आन मोहम्मद के खेमे में जा रहे थे, कभी अब्बास के खेमे में जा रहे थे, कभी कासिम के खेमे में जा रहे थे, अपने आंख के तारों को। सूरह यासीन की तिलावत की, सूरह अहज़ाब की तिलावत की, सूरह अनकबूत की तिलावत की, सूरह रूम और लुक़मान और दुखान की तिलावत की, नमाज शब पढ़ी। और एक मरतबा जिस तरह से के रोज जाते थे नहीं बल्कि बहुत पहले, एक मरतबा लिबास पहन लिया। बेटी ने आके कहा बाबा अभी तो बहुत रात बाकी है। बाबा बहुत रात है। शायद समय देखू, मुझे जाने दो, कुछ वक्त मस्जिद में गुजारूंगा, कुछ वक्त मस्जिद में गुजारूंगा। 19वीं रमजान की रात है, अमीरुल मोमिनीन ने इबादत के लिए कमर को कस के बांधा है, सहने खाना में आए, किसी अरब ने बतें तोहफे में दी थी, मुर्गादियां दी थी, मुर्गादियों ने दौड़ के दामन को थामा, इन्हें जबान बेजमानी से कह रही थी मौला न जाए, मौला न जाए। मुझे कहा उन्हें कुछ सुन, कल तुमको मेरे कारोबार में फुर्सत न मिलेगी, हो सके तो इन जानवरों को छो, या किसी और को दे। दरवाजे के पास पहुंचे, जंजीर दर ने कमरबंद को थामा, ये कहते हुए जंजीर को निकाला कि अली इबादत के लिए कमर को मजबूत बांध। बाहर आए, मस्जिद के करीब आए और एक मतवा मुड़ गए, तो कौन है, कौन आ रहा है पीछे? आहिस्ता से बाबा मैं हसन हूं। तो क्या बात फातिमा के लाल, क्या बात है बाबा, आप अकेले जा रहे हैं,
आप अकेले जा रहे हैं, बहनें बहुत परेशान हैं। क्या फरमाया हसन, मेरे हक की कसम वापिस जाओ, मेरे हक की कसम वापिस जाओ हसन, अली को आज तनहा छोड़ दो, अली को आज तनहा छोड़ दो, मकाम इबादत में अली, मकाम शहादत में अली, उतना ही शुजा है जितना खैबर में शुजा, जितना खंदक में शुजा, जितना हुनैन में शुजा। अकेले आए और आते ही सही है मस्जिद की दो रकात नमाज पढ़ो, बाहर आए आसमान को देखो, फिर गए तस्बीह हाथ में अली मसूफ हो, फिर वापिस आए मुकब्बर पे अजान, ये अली की अजान है, 19वीं रमजान की वो अली अकबर की अजान थी, आशूर ये दादा की अजान, वो पोते की अजान, अजान को खत्म किया, आहिस्ता आहिस्ता तस्बीह करते हुए मुकब्बर से उतरे, सोने वालों को उठाते चले, एक सोने वाले के पास आके रुक गए और आहिस्ता से उसको अपने पांव से इशारा किया का उठ जा, नमाज का वक्त आ रहा है उठ जा। अली जानता है कि तूने किस चीज को छिपाया, अब्दुल रहमान मेरे बच्चों को यकीन न दे, इब्ने मुल्जिम मेरे बच्चों को यकीन न दे। तो उसने करवट बदली, आप आए और नफले सुबह को अदा किया, नमाज में मशगूल हुए, सूरह हम की तिलावत की, सूरह कद्र की तिलावत की, अली रुकू में गए, सुभाना रब्बी अल अज़ीम व बिहम्दिह, सुभाना रब्बी अल अज़ीम व बिहम्दिह, سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، अली ने सजदे में सर उठाया, कातिल ने तलवार लगाई, मस्जिद कूफा से आवाज बुलंद हुई, अल्लाह अल्लाह कसम दिलावी, इलाही व सैयदी व मौलाया व रब, खुदावंदा हमको कामिल ईमान दे, हमारे हवाई जैसी में दुनिया भी बल्ला, मिल्लत को मुत्तहिद कर, ममलिकत को मुस्तहकम फरमा, ममलिकत पाकिस्तान की हिफाजत कर, कादिल।